वो क्या कर रहे हैं? रॉबर्ट जोन्स। वो ऑस्ट्रिया में रहता है और उसका नाम कुछ अजीब सा है। मैं तो उससे दोस्ती करके बहुत खुश हूँ। शैनन, हम दोनों की दोस्ती खतों के जरिए शुरू हुई, तो मैंने उसे बहुत अच्छे मिस्टर जोन्स आकर पढ़ ले। जोन्स, पास। जरा सोच कर देखो, ऑस्ट्रिया से कोई नया स्टूडेंट आएगा और वो मेरे घर में रहेगा। देखने में क्यूट होगा ना? हाँ, शायद होगा। दखल अंदाजी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, शायद तुम्हें ये रिपोर्ट भी बहुत क्यूट लगे। शाबाश शैनन, तुम समर कैंप में कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। क्या करूँ, मेरे मम्मी डैडी मुझे बहुत डांटेंगे, अब मैं क्या करूँ? मैं रोबो हूँ। मुझे पता है तुम रोबो जोन्स हो। मैं बहुत पढ़ा लिखा मैथ्स टीचर हूँ। हाँ शुक्रिया, पर मुझे कोई जरूरत नहीं है। समर कैंप में तुम्हारी बहुत याद आएगी। ओ पैम। हेलो शैनन, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अंदर आ जाओ रोबो। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। मेरा नहीं, मम्मी डैडी का घर है, वो बाहर गए हैं। हम अकेले हैं। हाँ। एक और एक मिलाकर दो। ये कौन सा तरीका है तुम्हारे पढ़ाने का? देखो मुझे बोर मत करो, चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ओ जरूर। जैसा तुम देख रही हो, x इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस b स्क्वायर log 8 और 2x स्क्वायर माइनस 4 और 1/3 क्यूब, इनको डिवाइड किया 3 और 4 से, फिर 6y से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आएगा -38 डिग्री। ये आसान था ना? मेरे ख्याल से अब तुम्हें घर जाना चाहिए रोबो। अच्छा एक मिनट, सोचो आसान तरीका। सुनो, हाथ ऊपर करो। ठीक है, 9 का दुगना, दूसरी उंगली नीचे करो, अब बचे 1 और 8। इस तरह 9 का दुगना 18 है। फिर कोशिश करो 9 का 3 गुना, तीसरी उंगली नीचे करो, अब बचे 2 और 7, 9 का 3 गुना 27 है। अच्छा अब तुम करो चौथी उंगली नीचे, तो यहाँ बचे 3 और 6, 36। ओ कमाल हो गया रोबो, तुम तो वाकई महान हो। अच्छा हुआ तुम मुझे पढ़ाने आ गए। शैनन वेस्टरबर्ग के लिए पार्सल है। ऑस्ट्रिया? हेलो, मैं हूँ फिंकमैन, ऑस्ट्रिया से आया हूँ। तुम शैनन हो? मैंने तुम्हारी पूरी फाइल अच्छी तरह पढ़ी है, मुझे अच्छा लगा। वाह, एक और रोबो। इनसे मिलो, ये रोबो है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ रोबो बटलर भी होगा। मैं बटलर नहीं हूँ, तुम्हारी तरह ही के एक सेट मॉडल हूँ। मेरे ख्याल से हम लोग एक ही तकनीक से बने हैं। नहीं रोबो जोन्स, मैं तुमसे काफी बेहतर रोबो हूँ। मेरा ये अनोखा डिजाइन इंसानों से तालमेल बढ़ाने में मेरी मदद करता है। और हाँ, तालमेल को जारी रखने के लिए मेरे पास अलग किस्म का कॉमेडी चिप है, जिससे मैं लोगों को काफी हंसाता हूँ। कहो तो नमूना पेश करूँ। नक नक। कौन है? जेविया। जेवियर कौन? तुम्हारा अपना दोस्त। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसानों से पेश आ सकता हूँ। हाँ, तुम भी मस्ती करने लगे। क्या बात है? पता नहीं खुद को क्या समझता है, अगर कोई मेरी दोस्त को छीनने की कोशिश करता तो मैं उसे मजा चखाता। हमारे भी उसूल होते हैं, हम अहिंसा के खिलाफ हैं। जो भी मशीन इंसानों को सबसे ज्यादा पसंद आएगी वही टिकेगी। बच्चों शांत हो जाओ, मिलो हमारे मेहमान स्टूडेंट फिंकमैन से। कैसे हो दोस्तों? मेरी काबिलियत देखकर जल्दी ही तुम सब मुझसे दोस्ती करना चाहोगे।
आज पढ़ाई करेंगे? हाँ पढ़ाई करेंगे। कैसे नाच रहा है? हाँ रोबो, इसने तुम्हारी छुट्टी कर दी। उस डिब्बे की तो बात ही मत करो। रोबो तुम उसे भगा क्यों नहीं देते हो? इसके छक्के छुड़ा दो। अब दिखाओ। नहीं, हमारे उसूल इसकी इजाजत नहीं देते। जो महान है वही टिकेगा। मुझसे ये देखा नहीं जाता। यकीन नहीं आता क्या कर रही हूँ। वो वाकई लाजवाब है। शैनन, रिपोर्ट देखना चाहोगे तुम? बी माइनस, तुम्हारे बिना ये नामुमकिन था। फ्रैंकमैन, रोबो, ये नया रोबो हमारे रोबो जोन्स और शैनन की दोस्ती में दरार पैदा कर रहा है। वाह, मैं तो अच्छा कॉमेडियन बन सकता हूँ। रोबो को गुस्सा आ गया। नॉक नॉक, कौन है? वही होगा जिसे कॉमेडी की कोई कदर नहीं। हट जाओ रोबो, तो हम कहाँ थे? नॉक नॉक। हाँ नॉक नॉक। सुनो, तुम बस में आ जाना फिंकी। माफ कर दो। बातें बंद, मैं तुम्हारी बेफिजूल की बातों से थक गया हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। पता नहीं रोबो क्या करेगा। दोस्तों, रोबो को देखो क्या कर रहा है। रोबो तो गुस्से में लगता है। देखो, मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है रोबो, तुम किसी और को ढूंढ लो। जो महान है वो जीतेगा। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे गुस्सा दिलाया। रोबो गुस्से में है। सुनो रोबो, मैं यहाँ रुक कर तुम्हारी बात का जवाब जरूर देता, पर अभी मुझे कहीं और जाना है। क्या कहा? तुम नहीं जा सकते। तुम जरा सुनो बच्चों, सही वक्त पर आए हो। मुझे ये पार्सल ले जाना है मिस्टर फंगस्टीन के यहाँ। ठीक कहा। ये सब क्या हो रहा है? फिंकमैन भाग रहा है। ये तो डरपोक निकला। क्या? देखो रोबो, खेल खत्म हो गया। तुम्हारे दोस्त को मैंने छीन लिया, मैंने तुम्हारी टीचर का दिल भी जीत लिया, और हाँ, तुम्हारे देश में आकर मैंने यहाँ से कुछ जरूरी सरकारी कागजात भी चुरा लिए हैं। पर अब इस जगह से उब गया हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। गुड बाय रोबो। क्या बात है, किया। देखा कैसे दुम दबा कर भाग गया। हाँ, वो रोबो को नहीं जानता था। कैसे डर गया था। क्या? मुझे तुमसे नफरत है रोबो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। आ,
रोबो। डेटा लॉग एंट्री, आज मैंने सीखा कि ओ झूठ क्यों बोल रहा हूँ, मुझे फिंकमैन से नफरत है, उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो झूठ धोखेबाज और बेईमान रोबो है। ओ फिंकमैन 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 बेनेडेकी एर्नॉल्ड का जन्म 14 जनवरी सन 1741 में नॉर्विच में हुआ था। क्रांतिकारी फौज में भर्ती होने के बाद उसने टिकोंडरगो किला हासिल करने में मदद की। जल्द ही वो एक के बाद एक कई राज्यों में हमला करने लगा और अपनी बहादुरी से उसने जीत हासिल की, समझे? अच्छा, जाने से पहले बच्चों, मैं स्कैंट्रॉन टेस्ट के रिजल्ट बताना चाहती हूँ। चार्ल्स क्यूबिना को F, मिचेल डेविस F, टॉमी टोटलमेयर F+। क्या बात है, मैंने अच्छा किया ना। रोबर्ट जोन्स C-। शैनन वेस्टरबर्ग F, वर्जिल कॉनबर्ग F, जॉर्जी इसे भी F। जरा सुनिए मिस कैवेंडिश, शायद कोई गलती हुई है। देखो रोबो, आज के बाद कभी भी अपनी टीचर से बहस मत करना, कभी नहीं। क्या करूं? मैं इस बार भी हिस्ट्री में फेल हो गया, मम्मी डैडी बहुत नाराज होंगे। फेल 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 फेल, मैं क्या करूं? मिस कैवेंडिश तो बहुत बोरिंग है, उनके पढ़ाने से तो नींद आती है। मिस कैवेंडिश बहुत बुरी है और उनकी स्कैंट्रॉन मशीन भी बुरी है। स्कैंट्रॉन मशीन, स्कैंट्रॉन मशीन, स्कैंट्रॉन मशीन, स्कैंट्रॉन मशीन। अब तुम जरा चुप बैठोगे, मैं सोच रहा हूँ। स्कैंट्रॉन मशीन, समझ गया। सुनो रोबो, हम दोस्त हैं ना? हाँ। और तुम एक किस्म की मशीन हो? हाँ। और स्कैंट्रॉन मशीन भी तो मशीन है। हाँ। तो तुम उस मशीन से झूठ मूठ की दोस्ती करो, हो सकता है वो मशीन हमें अगले टेस्ट के जवाब प्रिंट करके दे। ये सरासर बेईमानी है, अगर हम सवालों के जवाब पहले ही जान जाएंगे तो हमें क्या आता है क्या नहीं आता कैसे पता चलेगा? तुम समझे नहीं रोबो, अगर हम पहले ही जवाब जान जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे। ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, मैं जाकर उस मशीन से बात करूँगा। सुनो रोबो, जल्दी करो, हम यहीं रुकते हैं। नहीं क्यूबी, नहीं जा सकता, इस पर लिखा है अंदर आना मना है। कोई आ रहा है, पर मैं... तुम लोग शरारत मत करना बच्चों, वरना सजा मिलेगी। हेलो, कैसी हो स्कैंट्रॉन यूनिट, मुझे रोबो जोन्स कहते हैं, तुमसे मिलकर भी खुशी हुई। हाँ, समझ सकता हूँ यहाँ तुम कितनी अकेली हो। ठीक कहा, इंसान ऐसे ही होते हैं। बल्कि एक टीचर ने हमें ठीक से नहीं पढ़ाया, उसकी वजह से ग्रेड कम मिला है। मॉम डैड यूनिट से मुझे डर लग रहा है। ओ शुक्रिया, तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे डिजाइन की तारीफ करने का शुक्रिया। देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। हिस्ट्री टेस्ट के जवाब। अभी अपनी डाउनलोडिंग तार निकालता हूँ और तुम हाँ 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 जरूर तुम प्रिंट करके दे दो। इतनी देर क्यों हो रही है रोबो, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब कुछ नहीं हुआ, मैंने बस हमने नहीं दोनों ने वो जवाब रोबो तुम ले आए क्या? जवाब हाँ। अब जल्दी से यहाँ से निकल चलें।
हाँ तो बच्चों तैयार हो जाओ, अपनी दो नंबर की पेंसिल निकालो। रोबो मुझे वो पेपर दो। चुपके से। रोबो बहुत बहुत शुक्रिया। बातें मत करो मिस्टर चैटर बॉक्स। जल्दी करो रोबो, नकल मार लो। हो गया। मुझे यकीन नहीं होता, मैं इस बार भी फेल हो गया और अब मुझे तो दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। मैं तो 140 बार टेस्ट दे चुका हूँ। क्या रिजल्ट है क्यूबी? रिजल्ट बहुत अच्छा है। और तुम्हारा मिच? ए! तुम लोगों ने ये कैसे किया? मैं बताता हूँ कैसे किया, ये बेईमान है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बेईमान? रोबो बेईमान है, उसने अपनी मीठी मीठी बातों से स्कैनट्रॉन मशीन को फंसाया और उसने जवाब दे दिया। अच्छा, इस पत्रे ने किया? हाँ, दरअसल मैं पत्रा नहीं हूँ, मेरा डिजाइन जो है। चुप रहो, हमें भी पेपर लाकर दो लोहे के डिब्बे। हाँ मुझे भी चाहिए। मुझे भी। देखो तुम मुझे भी याद रखना। माफ करना पर तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि स्कैनट्रॉन मशीन और मैं हम वो। ओ रोबो, अगर मैं अगले टेस्ट में पास नहीं हुई तो मम्मी मुझे बाल पर्म करने नहीं देगी। तुम लाओगे ना रोबो, प्लीज? हाँ शुक्रिया दोस्त, टेस्ट तुम्हारी वजह से अच्छा रहा। टेस्ट से याद आया कि मैं सोच रहा था। वाह शुक्रिया, मानता हूँ हम मशीनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ओ हाँ हाँ, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। देखो तुम मुझे भी याद रखना। अब नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब मैं चलता हूँ। मुझे खुशी है कि इस बार किस्मत ने तुम सबका बहुत साथ दिया है, इस बार भी पूरी क्लास पास हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होंगे। हाय रोबो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुमने पूरी क्लास को जवाब ला कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि इस पत्रे के डिब्बे स्कैनट्रॉन मशीन को झेलना मुश्किल है, इसलिए शुक्रिया। अच्छा तो बाय। ओ आज यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? नहीं नाराज क्यों हूँ, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा। वो लड़की कुछ भी बोलती है, हम तो वो अच्छा मुझे माफ कर दो, ये सच है, मैं यहाँ से जवाब ले जाकर उन सबको बांटता था। मुझे तो शुरू से ही ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अचानक सब मुझे चाहने लगे और मैं उनके बहकावे में आ गया। लेकिन यकीन करो मैंने कभी दिल से ये नहीं करना चाहा, मुझे माफ कर दो। स्कैनट्रॉन यूनिट। अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, मैं ये नहीं लूंगा। ठीक है तुम कहती हो तो। हाँ वादा करता हूँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। रोबो कहाँ है? आता ही होगा। देखो रोबो आ गया, सही वक्त पर आया दोस्त। इससे पहले कि मिस के आए हम सबको जवाब बता दो। जल्दी दो रोबो, सोच क्या रहे हो? अगर तुमने मुझे वो पेपर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। जल्दी दो रोबो, क्या कर रहे हो? वो मैं। चलो बच्चों वक्त हो गया है,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। तुम सब काफी माहिर हो गए हो, इसलिए वही पुरानी हिस्ट्री का टेस्ट छोड़कर मैं तुम्हें आज एक ऐसे लिखने को दे रही हूँ। डेटा लॉग एंट्री, मैं जान गया हूँ कि किसी मकसद को पाने के लिए बेईमानी का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। बेईमानी से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। स्कैट्रॉन रोबो जोन्स, स्कैट्रॉन। सॉरी रोबो, पर लगता है ये मशीन खराब हो गई है। वैसे मैं कोई मैकेनिक या इंजीनियर तो हूँ नहीं, पर मुझे लगता है कि ये किसी का धोखा सहन नहीं कर पाई। और वैसे भी इन पुराने मॉडल की मशीन के बदले अब एडवांस मशीनें आ गई हैं। हाँ, जानता हूँ, यहाँ पर बिना इजाजत आना मना है। कितने बुरे हो,